अस्सलामुअलैकुम। थिएटर से आपका खुशामदी। मैं नाम अब्दुल्ला। मेरा नाम हामिद। मेरा नाम मोहम्मद हफीज। जैसा कि आप जानते हो, जो करते हैं हर मोमेंट कैप्चर उन्हें कहते हैं थ्री एक्टर्स, और ये अल्फाज इसके मुंह से ही अच्छे लगते हैं। और आज हम लेकर आए हैं मतलब कि इंडिया का सबसे बड़ा, मतलब कि इंडिया के आप एशिया में यूज़ करना नाम है, वर्ल्ड वाइड इसका बहुत नाम है, कपिल शर्मा। बिल्कुल। एक स्टैंड अप कॉमेडी से आज वो अपना एक शो चलाता है और सब बॉलीवुड एक्ट्रेस उसके शो में जाना फख्र पसंद करते हैं कि भाई कोई भी मूवी आ रही है उसका प्रमोशन करना तो सबसे पहले कपिल के शो में जाए। और जावा जो चले जाता है फिर उसकी जो होती है वो भी देखा जाता है। ये सारे आप भी जानते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है, कुछ कर लेते हैं, कुछ पकड़ लेते हैं। और ये वाइजली टिकटॉक चैनल है जिनके 41.9 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जिन्होंने ये कपिल शर्मा डबल मीनिंग फनी वीडियो कॉम्पिटिशन है जिसपे 3 मिलियन व्यू हो चुके हैं। एंड आई थिंक सो ये 3 मिनट की वीडियो है और थंबनेल से कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग होगा। 3 मिनट के अंदर वो कितना कुछ भी इसने दिखाया होगा, हालांकि उसकी हर है वीकेंड पे एक एपिसोड होता है। हाँ, दो एपिसोड होते हैं हफ्ते इतवार को। और अगर आप उसको मतलब कि सबको कंबाइन करो ना तो 1-1.5 घंटे की वीडियो आपकी इजीली बन जाएगी। बट इसने 3 मिनट के अंदर किया, मतलब कि कोई ना कोई ऐसे मोमेंट्स लिए होंगे जो वाकई ही इतने फनी होंगे। और स्पेशली इस देर एक्ट्रेसेस लिखा है, इसका मतलब कि उसने बख्शा तो नहीं होगा। फ्लर्टिंग विद एक्ट्रेस ये तो उसकी वैसी हॉबी है ना। करते हैं, देखते हैं, बहुत एक इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो। एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को, हमारी भी और रिएक्शन को भी। चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करो, लाइक और क्लिक करें, लाइक और शेयर करो, इंस्टा पे फॉलो करो। Teach me about fucking stars. फिल्म में ना 3 फुट के विलन का रोल कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों का पहली बार आ गई। जब आदमी छोटा होता है उसका सब कुछ छोटा हो जाता है। इसमें भी लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूं, आप कौन सी चक्की का आटा खाती हैं? आप इतनी खूबसूरत हैं, इतनी फिट हैं। आई नो सर, एक्चुअली मैं जिम ही नहीं जाती हूं, आई जस्ट डांस। ये मेरा फिटनेस मंत्र है। अकेले डांस करती हैं? अपनी ट्विन सिस्टर के साथ एक्चुअली। मिस तो जिम की नहीं, उनमें इंस्पायर को क्या करती हैं? कहते हैं मम्मा को बोले दोबारा कि कैसे करें। प्यारी समझ गई। लोखंड वाला सर्कल पे तोता नहीं, वो तोता तुम्हारा भविष्य बताऊं? तोता है तुम्हारे पास? आपको ने बोल दिया सबको, मैं छुप छुप के जाती थी शूट पर, किसी को पता नहीं था। अडल्ट फिल्म बनता शायद कीचड़ में गिरे हुए थे और किस कर रहे थे, और इस फिल्म में किस करते करते गिर जाते हैं। तो कुछ जवान लौंडो का सवाल था भाई, बोलते ऐसे गिर के किस करने मजा आता है कि किस करते करते गिरने मजा आता है? भाई आप बताओ, आपको किस करते हुए कैसे मजा आता है? व्हाट व्हिच वन डू यू प्रेफर? आई लव कहीं पे भी हो। इसकी बोलते हैं आप सेल्फ डिपेंडेंट है, हजारों लड़के लाइन लगा खड़े होंगे, मैं शहर आपका पूछूंगा नहीं क्योंकि पहुंच जाएंगे वहां पे लौंडे लपाड़े ना सारे। ऊपर वाले ने अगर खूबसूरती दी उसकी तारीफ करनी चाहिए, नहीं तो ऊपर वाले की शान में गुस्ताखी है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे इंसान बनाए और तुम लोग कुछ बोल ही रहे। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई लिखाई खूबसूरत होते हैं आप। करो और बोलो, पैसों का कुछ बातचीत की है कि नहीं? पैसों की डील तो पहले दिन ही हो गई थी, 12,000 दिए मैंने सोहेल भाई को। पैसे दे के ये फिल्म कर रहे हो? क्या करे लड़के, पैसे ही दे सकते हैं। समझ रहे हो? स्वागत है, आप हमेशा की तरह बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और कहते हैं ना अर्जुन जी, भूखा आदमी जो होता है ना उसको दो रोटी दिखा दो ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं मैं दो रोटी रहा नहीं जाता। मैंने फ्लर्ट कर करके ऑन कैमरा बदनाम हो चुका हूँ, और वहाँ कसम मैंने बैक स्टेज आज तक कुछ नहीं किया। बस आपको देख के लगा कि मेरे विचार बदलने चाहिए। तेरे पूरा किया। कुछ खाएंगे आप, चाय कॉफी वगैरह कुछ? नहीं नहीं मैंने भूख लग गई, आओ खाओ जाके। लाल मेरी किसने की? अच्छा गाया है कृष्णा जी, आपके लिए एप्पल लेके आया। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए लेन का खुद का निकला है। वो लड़की बना आगे तो भेजता है। वीडियो ऐसे बहुत ही
वो अभी बहुत कम उसने लिए हाँ, बहुत कम लिए कह सकते हैं 5 से 6 एपिसोड 3 मिनट की वीडियो में मैं कितना लेता लेकिन उसने जितना लिया सारा नोरा को घसीटा मतलब वो ये नहीं देखता कौन स्टार बड़ा है कोई छोटा है उसने रैंडमली बस जो बात आई फॉरन ज्यादा हो चुका है फिर आज का वो इतनी टाइम से वो शुरू करके आ रहा है एक स्टैंड अप कॉमेडी से वो कैसे उसको इज्जत मिली मतलब कोई मूवी आने से पहले लोग ये वेट करते हैं कि बिल्कुल शो में आएंगे और वैसे भी बाकी उसका फैमिली शो भी होता है और मजा आता देखने का भी अगर हम इधर भी देखें अब नहीं पहले कह सकते थे अभी भी फैमिली अभी भी है यार स्प्रेडिंग होती है बस थोड़ा लेकिन उसने पूरा वाज़े नहीं किया डबल मीनिंग रखा ये कुछ लोगों ने पकड़ा वरना फ्लो में देख रहे हो ना तो आपको पता नहीं लगता नहीं चलता और बहुत अच्छा शो होता है इसका मजा क्या अगर आप फैमिली में देखो ना तो ज्यादा ये नहीं कि बहुत ज्यादा यार वो बात वो करता है जो असल होती है असल होती है और मतलब कि ऐसा कि और बड़े ऐसे बीमार लोग भी हैं जिनके जिनको इसने हंसाया वो काफी ठीक हुआ काफी देखा भी हुआ है आते हैं लोग अपने सबसे ज्यादा आते हैं थरक जा रही है इसने वो नोरा पे है नोरा पे क्यों ना जाड़े वो भाई दो चपातियां देख के भूख भर गई देखो क्या बात है मतलब कि बड़ी बात होती है इतनी ज्यादा इतनी पब्लिक के सामने और आपको पता है आपको इतनी पब्लिक ने देख लिया और इतने कॉन्फिडेंस से आप बात करते हो बहुत ही कॉन्फिडेंस कोई इसको इशू नहीं होता और जब उसे ये भी बताओ कि उसकी एक वीडियो बहुत लोगों ने मिलियंस में लोगों ने देखी बाद माँ उसकी उधर बैठी होती है सामने बैठी होती है देख रहे बट ये है कि कॉन्फिडेंस तो काफी हो गया है अब तो इतनी फैन फॉलोइंग है कपिल की के लास्ट मतलब के कुछ सालों पहले उसका शो बंद हो गया था काफी सारा एक इनकी मिसअप हो गए थे हां इशू भी था मतलब के इसके शो में जो मतलब के मेन जो था ना एक पावर थी वो सुनील ग्रोवर था गुत्थी का जो उसने करेक्टर किया हुआ बट वो चला गया वो इशू हो गया लेकिन इसको लोग उसको मिस भी बहुत करते हैं बट इसके बाद उसने शो को संभाला भी बहुत अच्छा कपिल ने लेकिन इसका जो सेकंड टाइम शो निकाला वो उसमें सलमान ने बहुत मदद की उसका बहुत मदद किया प्रोडक्शन में इसका बहुत हेल्प किया और अभी भी शायद आजकल इसका शो चल नहीं रहा है क्योंकि कोविड की वजह से कोई मूवी भी नहीं आ रही तो खास इतनी कोई और जब आएगी तो कास्ट वगैरह आने शुरू हो जाएंगे इसके शो में आज का करते हैं अपना वीडियो एंड चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर क्लिक करें लाइक और शेयर करो इंस्टा पे फॉलो करो